जाटव से खास वार्ता करते हुए हमारे रिपोर्टर रामेश्वर फौजदार। लाल जाटव जो अपने यहाँ झालाटाला निवासी हैं, अभी खास चर्चा में अभी इनसे बात करने जा रहे हैं। तो अभी हम आपसे एक चुनावी प्रक्रिया जो चल रही है अभी, इस चुनावी प्रक्रिया को लेके आपके विचार जनता के सामने रखना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो अभी जो चुनावी चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ अपने नगर पालिका में चुनाव चल रहे हैं और उन चुनावों के अंदर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जिस तरीका से हम लोगों ने काम किया है, लगातार हम लोग हम लोगों ने काम कराया है। जो विकास पिछले टाइम में नहीं हो पाया था भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, वो हम लोगों ने विकास कराया है और उस विकास की वजह से ही चाहे नगर पालिका हो चाहे भुसावर हो चाहे हमारा लेने की ग्राम पंचायत, हमने काफी काम कराया और विकास के नाम पर हम लोग। जो केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों ने जो MSP लगाई है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, किसानों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान तकरीबन यहाँ पर 80% लोग किसान हैं और ये कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है। और ये किसानों के साथ धोखा नहीं हो रहा, 80% जनता के साथ धोखा हो रहा है। तो व्यापारियों की बात की जाए तो अभी शायद इलेक्शन के टाइम पर जो कांग्रेस सरकार द्वारा जो 10 दिन में कर्ज माफी के लिए जो कहा गया था कि 10 दिन में हमारे यहाँ जो भी है, जैसे कि अपनी सीट आती है, अपनी सरकार बनती है, तो 10 दिन में कर्ज माफ कर दिया जाएगा, वो आखिर किस कारण से नहीं हो पाया? देखो जो हमारे अंडरटेकिंग आती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक आती है, कोऑपरेटिव बैंक के सारे कर्ज माफ हो गए, परंतु जो सेंट्रलाइज बैंक है, सेंट्रलाइज बैंक है तो केंद्र सरकार माफ करेगी। उसके अलावा उनको भेजा हुआ है परंतु वो सुन के राजी नहीं है। आज आपके सामने उनके पास मंदिर बनाने के लिए पैसे हैं और चीज के लिए पैसे हैं और खर्च करेंगे उनके लिए पैसे हैं, परंतु किसानों के कर्ज माफी के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसानों के लिए पैसे नहीं है। जैसे कि बताया जाए तो कर्ज माफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कब तक हो सकता है कोई कर्ज माफी का? क्या हमारा जो हमारा अंडरटेकिंग आता है वो हम लोगों ने कर दिया, जो राजस्थान गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग आता है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने कर दिया। ये तो कर्ज माफ करके नहीं गए, इन्होंने सिर्फ घोषणा करी। तो निश्चित तौर पर इनका ख्याल, राज्य में सबसे ज्यादा जो आपराधिक जो मामले चल रहे हैं, जो आए दिन गोलियां चला दी जाती है, एक आम आदमी को राय चलते हुए उनको गोली मार दी जाती है, जो आए दिन खबरें चल रही हैं, आखिर ये अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है, इसमें रोकथाम के लिए आपको? ऐसा है, अपराध होता है परंतु अपराध होने पर उस पर कितनी कड़ाई से उसकी क्या सख्ती से लागू हो और कितना क्या नाम उसको क्रियान्वित किया जाता है,